जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? से उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आदेश जिस तरीके से आ रहे हैं उसको देख के ऐसा तो लगता है कि गांव बिल्कुल ही स्वर्ग बन जाने वाले हैं, लेकिन जब उन आदेशों की अवहेलना हो रही है तो ऐसा लगता है कि गांव तो स्वर्ग बनने वाले हैं लेकिन शायद इस जन्म में स्वर्ग नहीं बनने वाले हैं। काम ही ऐसे किए जा रहे हैं दोस्तों, आदेश के प्रति आदेश जैसा आ रहा है उसके ठीक कहीं कहीं विपरीत काम देखने को मिल रहे हैं, और कहीं कहीं आदेशों की अवहेलना ऐसे की जा रही है कि आदेश पे ही किसी की कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। यही सच्चाई है। आप लोग भी अपने आसपास देख रहे होंगे, अधिकारियों की करतूत देख रहे होंगे और अपने ग्राम पंचायत को भी देख रहे होंगे और आसपास की जो भी ग्राम पंचायतें हैं उनको भी देख रहे होंगे कि आखिर क्या क्या बदलाव हो रहे हैं और आदेश कैसे आ रहे हैं और काम कैसे हो रहे हैं। इसका डिफरेंट जब आप निकालेंगे तो ज़मीन आसमान का सीधा अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, एक अपडेट है, बहुत ही शानदार अपडेट है। अगर हो तो नहीं हो, अगर कागज़ में केवल ऐसा देखने को मिले तो यह अपडेट किसी काम की नहीं है, जबकि वैसा ही यहाँ पे होता हुआ मुझे दिख रहा है। क्या है अपडेट, आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपसे निवेदन करेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले और आप सही जानकारी से रूबरू हो सके, सही जानकारी को जान पाएँ और समझ पाएँ। दोस्तों, अपडेट बहुत सारी आती हैं और ये अपडेट भी आई है। ऐसी ही तमाम अपडेट मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से देने का प्रयास भी करता हूं, लेकिन ये अपडेट बिल्कुल ही अलग है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में व्याख्या किया गया है और ग्राम पंचायत में कैसे कार्य होने हैं इसके बारे में भी विधिवत जानकारी दी गई है। पंचायत सहाय के क्या कार्यभार हैं और ग्राम पंचायत में, सभी ग्राम पंचायतों में, ऐसा नहीं है कि केवल एक दो ग्राम पंचायतों में, सभी ग्राम पंचायतों में यहाँ पे एक एकड़ ज़मीन की व्यवस्था करने की बात कही जा रही है, जो ज़मीन बंजर हो और उस ज़मीन में पार्क बनाने की व्यवस्था की जाने की बात कही जा रही है। दोस्तों, ये कहाँ तक संभव होने वाला है? अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या कहना, गाँव वास्तव में स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, जबकि मुझे जहाँ तक लगता है यह केवल कागजों में ही दफन हो जाने वाला है, जमीनी स्तर पे ये दिखने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वो अपडेट देखते हैं, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। आज मंडल के चारों जिलों के मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, डीसी मनरेगा, सभी तहसील के उप जिलाधिकारी, सभी तहसीलदार, सभी विकास खंड विकास अधिकारी, सभी एडीओ पंचायत के साथ मीटिंग की गई। उन्हें निम्न निर्देश दिया गया। दूसरा, प्रत्येक गांव में एक एकड़ या उससे अधिक बंजर जमीन चिन्हित कर ली जाए और उसमें मनरेगा पार्क और खेल का मैदान बनाया जाए, जिससे गांव के लोगों को शहर जैसी फीलिंग हो, यानी कि शहर जैसे गांव के लोग महसूस कर पाएँ और उन्हें सुविधा भी मिल सके। तीसरा, इस क्रम में अब तक बांदा के 101, चित्रकूट में 99, महोबा में 155, हमीरपुर में 59 ग्राम पंचायतों में भूमि का चयन करके कार्य प्रारंभ कर दिया है। हमीरपुर में और रुचि लेने की ज़रूरत है। निर्देशित किया गया है कि बची हुई ग्राम पंचायतों में भी भूमि तलाश की जाए तथा पिछले वर्ष जो हर ब्लॉक में जो दो गांव में मनरेगा पार्क और खेल के मैदान बनाए गए थे उसमें घास आदि लगाकर पार्क का काम 20 मई तक पूर्ण कर लिया जाए तथा इनका उद्घाटन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से कराया जाए। गौशालाओं के संबंध में निर्देश दिया गया कि प्रत्येक गौशाला में छाया, पानी, चारा की समुचित व्यवस्था की जाए और अन्ना तथा सरकारी तौर पर लागू नहीं होगी। कोई गाय गौशाला में छोड़ी नहीं जाएगी। गायों को गौशाला में ही व्यवस्था की जाए, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। भूसा की आवश्यकता अनुसार खरीद तत्काल कर ली जाए और भूसा दान का आंदोलन जो चल रहा है उसको भी प्रभावी बनाया जाए। गांव सचिवालय में सभी प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, लेखपाल, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, बीट सिपाही, बिजली विभाग के जेई, किसान सहायक आदि अपनी निर्धारित तिथियों पर अवश्य सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बैठे। बीट सिपाही व अवर अभियंता विद्युत 10 बजे से 12 बजे तक निर्धारित दिवस में बैठेंगे। साथ खंड विकास अधिकारी प्रत्येक कार्य दिवस पर प्रातः 10:30 बजे जूम मीटिंग करके यह देखने कि प्रधान, पंचायत सचिव, लेखपाल, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक आदि कर्मचारी जिनका बैठने का दिन सचिवालय में है वह बैठें
हुए हैं कि नहीं तथा जो भी अन्य निर्देश देने होंगे वह भी देंगे और गाँव का हाल चाल लेंगे और कर्मचारियों द्वारा भी यदि कोई समस्या बताई जाए तो उसका हल करने के लिए कार्रवाई करेंगे। यह हेतु ब्लॉक पर एक रजिस्टर होगा जिसमें इस बैठक की कार्रवाई लिखी जाएगी। इस मीटिंग में उस तहसील के तहसीलदार और उप जिलाधिकारी भी जुड़ेंगे जिससे कि उप जिलाधिकारी और तहसीलदार को भी किसी गांव के किसी प्रधान या किसी कर्मचारी को कोई निर्देश देना हो तो दे सके। सभी को यह भी निर्देश दिए गए कि पंचायत सचिव और लेखपाल एक बार अवश्य अपने क्षेत्र के हर एक परिवार के घर जाएं और उनका हाल चाल लें, उसकी समस्या घर पर जा कर के घर पर ही सुने। जो समस्याएं गांव वाले बताएं उनको जो गांव में हल हो सकती है गांव में हल करें, अगर नहीं हो सकती है तो रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारियों को भेजें। दिनेश कुमार सिंह आयुक्त समस्त जिलाधिकारी को भेजा गया है। चित्रकूट मंडल की ये खबर है और संयुक्त विकास आयुक्त को भेजा गया है, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को भेजा गया है, तमाम लोगों को दोस्तों ये चीज़ें भेजी गई हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण। जो पहली चीज़ है कि प्रत्येक गांव में पंचायत में एक एकड़ या उससे अधिक बंजर जमीन चिन्हित कर ली जाए और उसमें मनरेगा पार्क और खेल के मैदान बनाए जाए जिससे गाँव के लोगों को शहर जैसी सुविधाएँ महसूस हो सके। ये सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी तमाम चीज़ें भी अपनी जगह पे महत्वपूर्ण इसमें दिखाई दे रही हैं। बहुत ही बेहतर आदेश है और ये होना भी चाहिए। तो देखा आपने, हमने तमाम एक एक पॉइंट आपको दिखाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया क्या है जानकारी और किस तरीके से यहाँ पे कुल 8-9 पॉइंट दिए हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि ग्राम पंचायत में हर एक व्यक्ति के कार्य को दर्शाते हैं और अलग अलग प्रकार के कार्य इसमें देखने को मिले हैं। यहाँ पे पशुपालन से संबंधित भी आदेश देखने को मिल रहे हैं, साथ में ग्राम पंचायत की स्वच्छता से संबंधित भी आदेश देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे जो गौशालाएँ हैं उनकी रख रखाव के भी आदेश देखने को मिल रहे हैं और ग्राम पंचायत को स्वच्छ सुंदर बनाने के भी आदेश दिख रहे हैं। ग्राम पंचायत में एक एकड़ भूमि को, जो बंजर भूमि है उसको निकाल के वहाँ पे पार्क की स्थापना करने की भी बात कही जा रही है। तमाम आदेश है, मैंने आपको हर एक पॉइंट दिखाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करूँगा आपको ये तमाम जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट से लगातार रूबरू कराते रहेंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए विदा लेंगे दोस्तों, जय हिंद।